हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मंतोष कुमार। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मंतोष सर। हम आज कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, है ना, जो ये सारे क्वेश्चंस मेंस का है, 2016 में पूछा गया है एसएससी का, है ना। तो आगे मे बी आपका अक्टूबर में मेंस का एग्जाम होने वाला है, उसी को पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, हमें इन क्वेश्चन को देखना है ना। और क्वेश्चन तो सिर्फ यहाँ पे सिक्स ही लिए हैं, लेकिन इसके पीछे का जो कंसेप्ट है ना, क्या लॉजिक है, कैसे हम क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना, तो सारे रूल्स को, सारे कंसेप्ट को देखेंगे और समझेंगे, है ना। ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, चाहे वो आने वाला सीपीओ का ही एग्जाम क्यों ना हो, एयरफोर्स का भी हो सकता है ना। तो क्वेश्चन तो वही रहते हैं ना, सिर्फ आपको देखना है कि कंसेप्ट क्या होता है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और खुद से आंसर देने का प्रयास करेंगे, है ना, कि आपका आंसर क्या था और आपने आंसर सही दिया या नहीं, वो चीजों को समझना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ही वाज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज, आगे लिखा हुआ है, नो एरर, है ना। तो चार पार्ट में मैं इस क्वेश्चन को बांट दिए हैं और आपको बताना है कि किस पार्ट में गलत है ना। जो पार्ट गलत होगा उसको आपको ठीक करना होता है। तो चलिए, तो आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए और अच्छे से खुद से आंसर देने का कोशिश करना है, फिर हम उसको, है ना, बताएंगे क्या आंसर होना चाहिए था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला एक चीज हमें समझना होगा कि कोई भी सेंटेंस है तो उसको बारीकी से उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देखते चलना है ना। ये नहीं कि ए में होगा या बी में होगा, वैसे नहीं, है ना, आपको हर एक चीज को देखना है और समझना है। तो यहाँ पे देखिए, तो कह रहा है कि ही वाज इलेक्टेड, इस पार्ट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे एरर है या नहीं। तो एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग वाज तो बिल्कुल सही है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब वाज होगा, है ना। लेकिन आगे जो इलेक्टेड नजर आया है तो ए सही है या गलत, इस चीज को समझना है। तो हम एक चीज जानते हैं कि वाज एक बी वर्ब होता है, हमने पहले कभी इसके बारे में पढ़ा है कि बी वर्ब कहता है कि हम अपने बाद, टू बी वर्ब जितने हैं, है ना, बी वर्ब जितने हैं उनके बाद आने वाला वर्ब अगर मेन फॉर्म में है तो वी फोर होगा, है ना। जब एक्टिव वॉइस में होता है तो वो वी फोर के फॉर्म में होता है, आईएनजी के फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो पैसिव वॉइस में होता है तो हम वी थ्री का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस में समझना है कि एक्टिव है या पैसिव है। तो कह रहा है कि ही वाज इलेक्टेड, ये सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। तो समझना है सही से कि ये सेंटेंस पैसिव का ही होगा, क्योंकि वह हम जब इलेक्ट होते हैं तो किसी के द्वारा ही तो इलेक्ट किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो किसी के द्वारा इलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में लिखना बिल्कुल सही माना जाएगा। तो यहां तक ए पार्ट में सही है। अब आगे बढ़िएगा थोड़ा सा, तो लिखा हुआ है कि एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। अब आगे देखिए, बी पार्ट में कहीं गलत है क्या, तो कह रहा है कि इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज, सेंटेंस तो सही लग रहा है, तो सही है। अब सारे आंसर दीजिएगा, है ना, अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट भी करना है, क्यों होगा, है ना। तो चीजों को अपने तरह से पहले आंसर देने का प्रयास करना है। तो देखो, एक चीज समझिएगा कि इलेक्ट एक ऐसा वर्ब होता है, इलेक्ट अपने आप में क्या है, वर्ब है ना। तो इलेक्ट कहता है कि हम अपने बाद, एज एक एडवर्ब होता है, इलेक्ट के बाद कभी भी एज का यूज नहीं किया जाता है। तो इस पार्ट में क्या करना होगा कि इलेक्ट के बाद का ये जो एज है, इसे क्या करना होगा, यहां से रिमूव करना होगा, है ना। करें कि ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉलेज होगा, है ना। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके बाद हम एज का यूज नहीं करते हैं, तो हम चीजों को यहाँ पे लिखते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कौन कौन ऐसे वर्ब्स हैं, क्योंकि अब एक चीज हमें पढ़ना है कि एग्जाम में आना है, एग्जाम में बैठना है, तो कोई जरूरी तो नहीं ना कि इलेक्ट ही पूछेगा, इसे रिलेटेड और भी वर्ब्स हैं, उनके उनके बेस्ट पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, है ना। तो चीजों को समझिए। तो एक चीज याद रखिएगा कि इलेक्ट एक ऐसा वर्ब है, है ना, इलेक्ट के बाद हम नेम लिख सकते हैं, है ना, नेम है, कॉल है ना, और इसमें आ सकता है कंसीडर, ठीक है, और आ सकता है थिंक,
ये सारे वर्ब्स जो भी हम लिख रहे हैं इसको लिख लेना है, है ना, कंसीडर है, थिंक है, और इसी में हम लिख सकते हैं चूज को, सेलेक्ट को, ठीक है। तो ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद याद रखना है कि क्या यूज नहीं करना है, एस का यूज नहीं करना है। तो इलेक्ट, नेम, कॉल, कंसीडर, थिंक के बाद हम कभी भी क्या नहीं करते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं। अगर मैंने कहा कि ही कॉल्ड मी, है ना, एज फूल, अब बताइएगा ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो यहां पे कह रहा है कि ही कॉल्ड मी एज फूल, तो कभी भी यहां पे एक चीज याद रखिएगा, जब कॉल आया है तो कॉल के बाद मैंने कहा कि क्या नहीं लगाना है, एज का यूज नहीं करना है। तो सिर्फ कहना होगा कि ही कॉल्ड मी फूल, है ना, यहां पे अ लगा दीजिए, अ फूल। तो याद रखना है कि कॉल के बाद, कंसीडर के बाद, जैसे बोलते हैं कि राम इज, है ना, कंसीडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल, तो याद रखना है कि राम इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे कि द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल, कभी भी कंसीडर के साथ एज का यूज नहीं करना है। तो ये जितने भी वर्ब्स है उनके बाद मैंने सीखा कि एज का यूज नहीं करना है, उसी में से क्या था, एक इलेक्ट था। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद एज का यूज किया जाता है, ये अगर आप लिख लिए होंगे, है ना, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं ना, हम इसको साफ करते हैं और किसके बाद यूज किया जाता है वो देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर इसी में एक वर्ड लिखा मिलता है आपको, है ना, हम बोलते हैं नो, नो एक वर्ब है, इसी में कहीं कहीं लिखा मिलेगा व्यू, कहीं कहीं इसी में लिखा मिल जाएगा डिफाइन, है ना, डिफाइन, है ना, इसी में लिखा मिलेगा ट्रीट। ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके बाद क्या यूज किया जाता है, एज का यूज करना सही माना जाता है। जैसे आपने सुना, बोलते हैं हम लोग कि गांधी जी, क्या मैंने कह दिया कि गांधी जी, है ना, वॉज या इज, लिखिए इज नोन एज बापू, एक कहना सही होगा या गलत। तो कह रहा है गांधी जी इज नोन एज बापू, तो याद रखना है कि नो एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद एज का यूज करना सही माना जाता है, किया जाता है। तो नो व्यू, डिफाइन, ट्रीट के साथ एज आएगा, लेकिन बाकी जो हम वर्ब लिखे थे इलेक्ट, सेलेक्ट, है ना, नेम, कॉल, इनके साथ एज का यूज नहीं किया जाता है। तो यहां पे एज नहीं होगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से उसको पढ़िए और आप अपना आंसर दीजिए क्या सही है। ध्यान से देखिएगा, करा है, हम पढ़ते हैं फिर से इसको, देखिए करा कि ही हैड नो एक्यूज फॉर अटैकिंग, है दैट ओल्ड मैन, आगे लिखा हुआ नो एरर। तो ध्यान से अब देखिए और बताइए मुझे कि एरर है या नहीं है, क्लियर दिख रहा होगा, है ना, चलिए बताते हैं। अब देखो यहां पे एक चीज समझिएगा कि ही हैड हैव का पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट में सेंटेंस को लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ है कि नो एक्यूज, अब हमें एक चीज पता होगा कि नो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। नो क्या है, एडजेक्टिव है। हम एक चीज जानते हैं नो के बारे में और एक कहीं आप जानते होंगे नॉट के बारे में, दोनों को समझना है। नो एक एडजेक्टिव होता है और नॉट एक एडवर्ब की तरह यूज होता है। अब कभी भी सेंटेंस में पढ़ते हैं, अगर आपने कहा, हम एक सेंटेंस लेते हैं कि ही हैज नो अ पेन, और एक बोल दिया कि ही हैज नॉट अ पेन, और एक मैंने लिखने की कोशिश की कि ही हैज नो पेन, और एक लिख दिया कि ही हैज, है ना, नॉट पेन। ये चार सेंटेंस है, ध्यान से समझिए। कराए कि ही हैज नो अ पेन, ही हैज नॉट अ पेन, ही हैज नो पेन, ही हैज नॉट पेन। अब ये चारों सेंटेंस में सही कौन है, ये मुझे बताना है। ध्यान से कंसेप्ट को समझिए। तो यहां पे सबसे पहली बात तो हमें समझ में आया है कि नो क्या है, एक नाउन है, सॉरी पेन क्या है, नाउन है। पेन यहां पे भी नाउन है, यहां पे भी नाउन है, ठीक है, यहां पे नाउन है, पेन नाउन होता है। अब हमें एक चीज पता होगा कि नाउन के पहले तीन चीज आते हैं,
है ना, बार बार चीज बोलते हैं, नाउन के पहले तीन चीज आ सकता है, नाउन के पहले आर्टिकल आ सकता है, नाउन के पहले मैंने कहा कि क्या आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन के पहले प्रीपोजिशन आ सकता है। अब यहाँ पे जब पेन नाउन है तो नाउन के पहले आर्टिकल आना बिल्कुल सही माना जाएगा, है ना, उसके पहले क्या आया है, नू आया है, है ना। तो अब एक चीज समझिएगा कि मैंने कहा कि नो क्या है, नो एक एडजेक्टिव है, नो क्या है, एडजेक्टिव है ना। आर्टिकल भी एक तरह के क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है, आर्टिकल एडजेक्टिव ही होता है, इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। जब हम एडजेक्टिव को कभी डील करेंगे तो वहां पे है ना बताएंगे कि ए जितने भी आर्टिकल हैं ए एंड द को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो याद ये रखना है कि कभी भी एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है, है ना। तो कभी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडजेक्टिव नहीं करेगा तो यहां पे दो एडजेक्टिव का यूज करना क्या होता है, बिल्कुल गलत होता है। इसलिए सेंटेंस क्या है, गलत है। हम कभी भी आर्टिकल के पहले नो का यूज नहीं करते हैं, है ना। अब कह रहा है कि ही हैज नॉट अ पेन, पेन एक नाउन हुआ, नाउन के पहले आया है आर्टिकल जो कि एडजेक्टिव होता है, और उसके पहले मुझे लिखा मिला नॉट, नॉट क्या है, एडवर्ब है, नॉट क्या है, एडवर्ब है। अब एडवर्ब तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, बिल्कुल, जब एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो यहां पे कहना आर्टिकल सही होगा, और आर्टिकल के बाद हम नाउन का यूज करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है। तो ए सेंटेंस क्या हुआ, सही हुआ, है ना। कभी भी आगे अब देखिए करा कि ही हैज नो पेन, पेन नाउन है, नाउन के पहले नो आया है, नो क्या होता है, नो एक एडजेक्टिव होता है, ध्यान से समझिए, नो क्या एडजेक्टिव है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव लिखना बिल्कुल सही होता है। तो यहां पे क्या हो गया, ए सेंटेंस अपने आप में सही है। चीजों को समझिएगा, हम बोल रहे हैं बार बार, है ना। ही हैज नॉट पेन, इसमें देखिए अब पेन क्या है, नाउन है, नाउन के पहले मैंने क्या लिखा, नॉट लिखा, अब नॉट अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। अब नाउन के पहले कभी एडवर्ब आ सकता है क्या, नाउन के पहले कभी एडवर्ब होता है, नहीं, एडवर्ब क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे सारे को क्वालिफाई करना एडवर्ब का काम है, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं, ठीक है यहां तक। तो नॉट पेन कभी भी सही नहीं होगा। तो हमने क्या सीखा कि जब नॉट आएगा तो इसके बाद एक आर्टिकल लिखना होगा, है ना, लेकिन नो के बाद आर्टिकल नहीं लिखना होगा। क्लियर है बातें। तो नो एक एडजेक्टिव होता है, नॉट एक एडवर्ब होता है, दोनों को समझना है। हम कभी भी नॉट इसीलिए वर्ब में लगाते हैं, जैसे बोलते हैं कि आई डू नॉट, कभी भी आई डू नो नहीं कहा जाता है, है ना। तो हमें चीज को समझना है, क्योंकि जो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करेगा वो एडवर्ब करेगा। आई डू नॉट प्ले, कभी भी आई डू है ना नो प्ले नहीं होगा। तो क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, आपने समझ लिया कि नो एक क्या है, एडजेक्टिव है, नॉट क्या है, एक एडवर्ब। अब आप समझिए, अब हम मुझे बात यहां करनी थी कि अभी आपने कहा कि जब हम कभी भी नो के बाद, हमने कहा कि नो एक एडजेक्टिव है तो नो के बाद क्या कभी भव आ सकता है, क्यों अपने आप में भव है ना। तो याद रखना है कि नो एक एडजेक्टिव है तो नो के बाद कभी भी भव नहीं होता है, कभी भी आप नहीं बोल सकते हैं, है ना, कि आई डू है ना नो, I do know it, ऐसा होता है। I do not it बोलते हैं, no कभी नहीं बोलते हैं, I do not बोलते हैं। तो यहां पे जब भव है तो कभी भी no नहीं होगा, है ना। अब बात समझिए, अब कह रहा है कि he had no, अब आगे attacking लिखा हुआ है तो हम यहां पे इसको है ना मेन वर्ब मानेंगे, क्या मानेंगे, had मेन वर्ब है तो no यहां पे सही होगा, लेकिन मुझे एक काम करना होगा कि एक्यूज भव को क्या कर देना होगा, हमें नाउन बना देना होगा। तो हम भव को नाउन कैसे बनाएंगे, तो मुझे कहना होगा एक्यूजेशन, है ना। तो हो गया कि ही हैड नो एक्यूजेशन फॉर अटैकिंग, ये सेंटेंस क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ है। तो आपका एरर किस पार्ट में होगा, बी पार्ट में, कभी भी एक्यूज नहीं होगा, क्योंकि नो के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है, नाउन का रिक्वायरमेंट होता है, तो एक्यूज का नाउन एक्यूजेशन होता है, है ना। किसी किसी वीडियो में हम इसको सेपरेट वीडियो बनाएंगे, है ना, कि कैसे हम नाउन को भव में चेंज करते हैं, किसी भव को नाउन बनाते हैं, किसी भव से एडजेक्टिव बनाते हैं, है ना। तो देखिए आगे,
तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका गलत एक्यूज में था, एक्यूजेशन होना चाहिए। आगे नेक्स्ट है कह रहा कि मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट दियर किथ एंड किन, है ना, इन हिटलर कंसंट्रेशन कैंप्स, है ना, आगे लिखा हुआ नोयर, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना है और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट को समझना है। तो देखिए ध्यान से, तो अब एक चीज कह रहा है कि मिलियंस ऑफ ज्यूज, एक बात समझिएगा कि जब हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे, है ना, वर्ड्स होते हैं जैसे हंड्रेड हो गया, थाउजेंड हो गया, मिलियन, बिलियन, जो भी है ना, तो इनका हम प्लुरल तब बनाते हैं जब इसके बाद क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। कंसेप्ट है कि हंड्रेड का प्लुरल पॉसिबल नहीं है, थाउजेंड का प्लुरल पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे कहना है कि आई हैव, है ना, 10,000 रुपीज बोलते हैं, कभी भी 10,000s नहीं होता है, ठीक है, हम हंड्रेड्स नहीं बोलते हैं, आई हैव हंड्रेड्स रुपीज नहीं होता, आई हैव हंड्रेड रुपीज होता है, ऐसे, ठीक है। तो याद रखना है कि कभी भी इसका प्लुरल नहीं बनता, लेकिन इसका प्लुरल तब बनता है जब हम इसके बाद क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, है ना, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, इस तरह से। तो मिलियंस ऑफ ज्यूज अपने आप में कहना क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे कहा है कि लॉस्ट, है ना, पास्ट में सेंटेंस है, बिल्कुल सही है, कह रहा है कि दियर, अब यहाँ पे ज्यूज कितने हैं, बहुत सारे हैं, प्लुरल की बात हो रही है, तो उनके लिए हम अगर एडजेक्टिव की बात करेंगे तो क्या होगा, दियर ही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लुरल है। तो दियर किथ एंड कीन इन हिटलर कंसंट्रेशन कैंप्स। अब एक बात समझिए, अभी हमने एक चीज सीखा कि नाउन के पहले कभी भी क्या नहीं आ सकता है, नाउन नहीं आ सकता है, हम नाउन के पहले नाउन का यूज नहीं करेंगे। नाउन के पहले अगर नाउन आया है तो दो बातें हो सकती है, है ना, या तो याद रखना कि नाउन के पहले नाउन आया है तो कंपाउंड नाउन की तरह यूज होगा, है ना, जैसे बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन, वाटर भी नाउन है, पॉल्यूशन भी नाउन है, वहां पे वो कंपाउंड बना रहा है ना, एक वाटर एडजेक्टिव का काम करेगा और जो आपका पॉल्यूशन है वो नाउन है ना, जैसे बोलते हैं समर वेकेशन, है ना, पब्लिक ओपिनियन, एक कंपाउंड नाउन होता है ना, फादर इन लॉ कंपाउंड नाउन है, तो इस तरह से आ सकता है। लेकिन यहां पे जब कंपाउंड की बात नहीं होगी तब मुझे वहां पे देखना होगा कि सही है या गलत। तो एक बात आपने समझे होंगे कि कंसंट्रेशन क्या है, एक नाउन है, हाँ कि ना, बिल्कुल आपने सही कहा, कंसंट्रेशन क्या होता है, नाउन होता है। ऐसे भी जनरली याद रखिएगा कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर वो आईओएन लगा हुआ है ना, जैसे यहां पे भी मैंने लगाया था, है ना, वो नाउन ही होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे फंसाने का तरीका वो मिलेंगे किसी वीडियो में। तो यहां पे याद रखिए कंसंट्रेशन क्या है, नाउन है। अब नाउन के पहले एक चीज मुझे नजर आया, हिटलर, हिटलर भी तो अपने आप में नाउन है ना, तो इसको हम साफ करते हैं ध्यान से। अब अपना आंसर बताइए क्या होना चाहिए, ध्यान से इसको देखिए और मुझे आंसर चाहिए, है ना। तो क्या होगा, करेक्ट, कंसंट्रेशन के पहले आया हिटलर, हिटलर भी नाउन, कंसंट्रेशन भी नाउन, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, नाउन के पहले नाउन। अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, कहा कि राम बुक, है ना, आगे मैंने कह दिया, है ना, इज लॉस्ट, ये सेंटेंस सही है क्या, राम बुक इज लॉस्ट, राम बुक, बुक क्या है, नाउन है, राम क्या है, नाउन है, नाउन के पहले नाउन, ये तो अन्याय है, हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो याद रखना है कि मैंने कहा था कि नाउन के पहले क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था केस, ठीक है ना, तो केस में सिखाया गया था कि नाउन को अगर नाउन के पहले यूज करना है तो इस नाउन को क्या करो, एडजेक्टिव बना दो। अब नाउन को एडजेक्टिव बनाने के लिए मेरे पास एक रूल तैयार किया गया था, क्या लगाकर, अपोस्ट्रोफे एस लगाकर, क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफे। तो मुझे कहना होगा राम्स बुक, राम की किताब। अब यहां पर बुक नाउन है, लेकिन अब ये राम क्या बन गया भैया, राम बन गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब एडजेक्टिव का काम करेगा, तो किसी भी नाउन में अगर आप अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं तो अब किस तरह से बिहेव करेगा, एडजेक्टिव की तरह। तो उसी तरह से अगर कंसंट्रेशन की बात की जाएगी तो इसके पहले हिटलर है, तो हिटलर को क्या करना होगा, मुझे एडजेक्टिव बनाना होगा। और इस एडजेक्टिव हिटलर को बनाने के लिए मुझे लगाने की जरूरत क्या है, अपोस्ट्रोफे एस, तो क्या बनेगा, हिटलर्स कंसंट्रेशन। क्लियर है बातें, है ना। तो सिर्फ इसके पीछे का कंसेप्ट को समझना है ना, हमें ये नहीं जाना है कि ए में है या बी में है, हमें
एग्जैक्ट आंसर तो मिलेगा ही, लेकिन क्या उसके पीछे का लॉजिक है उसे जाना है। तो कभी भी याद रखना है कि नाउन के पहले नाउन नहीं आ सकता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, पढ़ते हैं। कह रहा है कि रमेश इज अ स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड है ना फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशंस। आगे लिखा हुआ है नोवेयर। अब क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से समझिए। कह रहा है कि रमेश इज अ स्मार्टर, स्मार्टर जैसे ही नजर आया तो मेरा दिमाग एक चीज सोचा कि लगता है कहीं है ना डिग्री की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है, स्मार्टर है ना, तो एक कॉम्परेटिव डिग्री है ना, और इसके बाद लगा हुआ एनफ है ना। आगे कह रहा है टू गेट सेलेक्टेड है ना, गेट एक ऐसा भाव है जिसके बाद भी थ्री का यूज किया जाता है ना, हैव के बाद भी थ्री का यूज किया जाता है ना। हम बोलते हैं कि गेट मैरिड है ना, गेट सेलेक्टेड, तो जो भी होगा तो सेलेक्टेड बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि फॉर दिस पोस्ट है ना विदाउट एनी रिकमेंडेशन है ना। तो एक चीज आप बताइएगा, हमने एक रूल पढ़ा था कभी कि स्मार्ट के बाद इनफ है ना। हम एक चीज जानते हैं कि स्मार्टर क्या है, सीडी है, कॉम्परेटिव डिग्री है, और एनफ का यूज जैसे ही सीडी के बाद किया जाएगा तो ये गलत माना जाएगा है ना। तो एनफ के पहले कभी भी सीडी नहीं आ सकता है, क्या आएगा तो इसको बनाना होगा मुझे पॉजिटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री एनफ के पहले लिखना बिल्कुल गलत माना जाता है। हम एनफ के पहले किस डिग्री का यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का। तो मुझे एनफ के पहले स्मार्टर का यूज नहीं करना होगा, मुझे एनफ के पहले क्या कहना होगा, हमें कहना होगा स्मार्ट। तो हमें क्या कहना है कि रमेश इज स्मार्ट एनफ, कभी भी स्मार्टर एनफ नहीं होता है। और एक चीज और यहां से एरर देता है कि क्या करेगा कि एनफ को इसका प्लेस को स्मार्ट के पहले रखेगा, रमेश इज एनफ स्मार्ट, ये भी सेंटेंस गलत है। कभी भी रखना है तो पॉजिटिव डिग्री के एनफ का प्लेस बाद में होगा है ना। राम इज एनफ ओल्ड बिल्कुल नहीं बोलते, हम हमेशा बोलेंगे कि राम इज ओल्ड एनफ। क्लियर है बातें। तो हमने सीखा कि कभी भी एनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री आएगा, कंपैरेटिव का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या मिला कि यहां पे होगा स्मार्ट एनफ, नहीं बोलेंगे हम स्मार्टर एनफ। आगे नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि आई विजिटेड माई है ना ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमास है ना हाउस एंड फाउंड देयर मिसिंग। ए एक बहुत ही है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए और आंसर देना स्टार्ट करिए आप, क्या होना चाहिए देखिए ध्यान से। तो कह रहा है कि आई विजिटेड माई ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमास, ठीक है। अब यहां पे ग्रैंडपा और ग्रैंडमास दिखा, आगे लिखा हुआ है हाउस। अभी अभी हम एक चीज पढ़कर आए थे है ना कि हाउस अपने आप में क्या है भैया, नाउन है। हमने सीखा कि हाउस क्या है, नाउन है। जब नाउन है तो इसके पहले नाउन आया है ग्रैंडमास और आया है ग्रैंडपा, ठीक है। तो हमने सीखा था कि नाउन के पहले नाउन तभी आ सकता है जब उसे क्या कर दिया गया हो, एडजेक्टिव बना दिया गया हो। आप देख सकते हैं कि ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमास यहां पे अपोस्ट्रोफी का यूज किया हुआ है, तो ये सेंटेंस सही है ना। और एक चीज और याद रखना है कि अब ग्रैंडपा पे अपोस्ट्रोफी लगाना है कि ग्रैंडमास पे लगाना है, या दोनों पे लगा दे, ज्यादा खुश होंगे तो हम दोनों पे लगा दे, है कि ना, ऐसा होता है नहीं। अब देखना है कि कंसेप्ट क्या था। तो याद रखना है कि पोजेशन दो तरह से दिखाए जाते हैं है ना। अगर एक बात आई तो एक कॉमन पोजेशन होता है और एक सेपरेट पोजेशन होता है ना। ये केस का बात है, एक कॉमन पोजेशन और एक सेपरेट पोजेशन। जब दो व्यक्ति का एक ही पे पोजेशन हो तो उसे कॉमन पोजेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने कहा कि राम एंड श्याम है ना, या राम एंड मोहन है ना, आगे लिखा हुआ है फ्रेंड। तो राम का भी दोस्त कहना होगा और मोहन का भी दोस्त कहना होगा। तो सिर्फ हम पोजेशन अगर दोनों का एक ही पे दिखाना है तो सिर्फ एक पे लगाएंगे ना, वो भी लास्ट वाले पे जो एंड के बाद होगा। जब कॉमन पोजेशन की बात होगी तो अगर ऐसा रहे कि नाउन वन है, ये जोड़ दिया किससे, एंड से, आगे मैंने क्या लिखा, नाउन लिखा है ना। अब आगे मुझे क्या दिखाना है भैया, पोजेशन दिखाना है। जब पोजेशन दिखाना है ना, दोनों का कॉमन पोजेशन दिखाना है तो सिर्फ हम अपोस्ट्रोफी किस पे लगाएंगे, सेकंड वाले पे, ठीक है। तो ये कॉमन पोजेशन होगा और पोजेशन किस पे होगा, इस नाउन पे, ठीक है। आगे हम नहीं पढ़ेंगे है ना। एक और सेपरेट होता है, जब सेपरेट पोजेशन दिखाना होगा तो हम दोनों पे लगाएंगे, ठीक है।
इस पे भी लगाना होगा और इस पे भी लगाना होगा, आगे पोजीशन दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन की बात हो रही है ना, क्योंकि दोनों का, अब ग्रैंडपा और ग्रैंडमा है तो दोनों का घर तो एक ही है ना, जब एक ही है तो यहाँ पे हमने कहा कि जब कॉमन पोजीशन होगा तो सिर्फ किस पे लगाना है, लास्ट वाले पे। तो यहाँ पे पोजीशन दिखाया गया है ये, जो कि बिल्कुल सही है ना, तो इसमें एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो मिलता है कि एंड फाउंड दियर मिसिंग। अब एक चीज नजर आया होगा, अब यहां पे लिखा हुआ मिसिंग, अब आईएनजी लगा, अब जैसे ही आईएनजी लगा तो फिर एक बात नजर आया कि कहीं आईएनजी लगा है तो जिरंड तो नहीं है, है ना। अब जिरंड है तो हमें एक चीज पढ़ाया गया था, यह हम जानते होंगे कि जिरंड के पहले, जिरंड एक नाउन की तरह बिहेव करते हैं। जिरंड क्या होते हैं, इनका सेंटेंस में यूज हम कैसे करते हैं, नाउन के रूप में, ठीक है। और जब जिरंड की बात होगी तो जिरंड नाउन हुआ तो याद ये रखना है कि हमने कभी एक चीज पढ़ा था कि नाउन के पहले कभी भी कौन सा केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस। नाउन खुद सब्जेक्ट होता है, फिर उसके पहले सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। नाउन अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है, नाउन के पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, है ना। नाउन के पहले आ सकता है तो कौन सा केस, पजेसिव केस, ठीक है। नाउन के पहले हम पजेसिव केस ही लिखते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि आई, ध्यान से देखिए, आई डोंट लाइक, है ना। आगे मैंने कह दिया हिम, आगे लिख दिया मैंने टीचिंग। अब इसके पीछे के कंसेप्ट को देखना है, कह रहा है कि आई डोंट लाइक हिम टीचिंग, आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं कि मैं उसका पढ़ाना पसंद नहीं करता हूं, चीजों को समझिए। ये टीचिंग अपने आप में क्या है, जिरंड है। और मैंने कहा कि जिरंड का यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में, नाउन की तरह। जब ये नाउन बना है तो मैंने कहा कि नाउन के पहले कभी भी नहीं आ सकता ऑब्जेक्टिव केस, हिम ही का ऑब्जेक्ट होता है, हाँ कि ना। अरे बोलो, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। जब हिम होता है तो कभी भी हम टीचिंग के पहले, नाउन के पहले क्या नहीं लगा सकते, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस ऑब्जेक्टिव को मुझे बनाना होगा पजेसिव, तो ही का पजेसिव क्या होता है, आपने सही कहा, हिज होता है। तो मुझे कहना होगा कि आई डोंट लाइक हिज टीचिंग, मैं उसे तो पसंद करता हूं, मुझे उसका पढ़ाना पसंद नहीं है, है ना। तो उसका पढ़ाना पजेशन दिखाया है ना, तो कभी भी हम क्या, जिरंड के पहले पजेसिव केस का यूज करते हैं, है ना। तो अभी एक चीज नजर आएगा कि जब मिसिंग जिरंड होगा, आईएनजी लगा हुआ है ना, जिरंड कहते हैं जब वी वन प्लस आईएनजी होता है, जब नाउन की तरह बिहेव करे तो उसे जिरंड के नाम से जानते हैं ना, भाव में आगे देखेंगे हम। तो यहां पे एक चीज देखिएगा कि मिसिंग क्या है, अब मुझे नहीं पता, इसके पहले क्या लगा हुआ है, दियर। अब दियर लगा हुआ है तो कहीं दिमाग काम किया कि जब जिरंड है तो इसके पहले दियर, पजेसिव एडजेक्टिव, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखना है कि हम जब आईएनजी लगाते हैं भाव में, है ना, तो ये हर जगह जिरंड हो इस सही नहीं है, एक कभी कभी बिहेव करते हैं पार्टिसिपल की तरह भी, है ना। तो याद रखना, जैसे अगर हमने एक सेंटेंस कहा, ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर लिखते हैं कि आई सा, है ना, हिम, मैंने कह दिया, है ना, प्लेइंग। एक सेंटेंस है, ध्यान से देखिए, आई सा हिम प्लेइंग, ये सेंटेंस सही होगा का नहीं या गलत। अब ये नहीं समझना है कि यहां पे जो प्लेइंग है वो जिरंड है ना, यहां पे प्लेइंग का यूज कैसे किया गया है, तो पार्टिसिपल की तरह किया गया है। क्या है, पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल का यूज याद रखना है कि दो तरह से किया जाता है, पार्टिसिपल भाव की तरह भी यूज होते हैं और पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं, है ना। तो पार्टिसिपल यहां पे एडजेक्टिव की तरह कैसे बनेगा, जैसे अगर मैंने कहा कि आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, आप पेन और बुक जरूर रखिए जो भी चीज बोलते हैं, है ना, थोड़ा सा स्पेस का मेरे पास अभाव है, हम हर बात को लिख नहीं पाएंगे, तो आपको एक थोड़ा सा मेहनत करना है मेरे साथ मिलकर, है ना, कोशिश करना है कि चीजों को आप नोट डाउन करें, है ना, पेन और कॉपी का होना आपके साथ जरूरी है ना, तो तभी चीजों को समझ में आएगी बात आपको, है ना। तो प्लेइंग मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है, तो जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा कि आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, तो यहां पे ट्रेन क्या है, नाउन है, नाउन के पहले आया है बर्निंग, सेंटेंस को आप लिख लेंगे आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, ट्रेन हुआ नाउन, नाउन के पहले आया बर्निंग, तो मैंने एक चीज बताया था कि जो नाउन के पहले आता है ना वो एडजेक्टिव होता है ना,
और यहां पे लिखा हुआ है बर्निंग, तो बर्निंग आईएनजी लिया हुआ है ना, तो इसे कहेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसका बिहेवियर कैसा हुआ, एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि आई एम प्लेइंग, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, तो आई एम प्लेइंग इन कंटिन्यूअस फॉर्म में है, वो वर्ब के फॉर्म में, उसे वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, है ना। तो याद रखना है कि हम एडजेक्टिव के भी रूप में यूज कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को, और वर्ब के रूप में भी। तो याद रखना यह है कि यहां पे तो एडजेक्टिव होगा नहीं, तो यहां पे वर्ब की तरह यूज हुआ है ना, तो वर्ब के पहले हिम, बिल्कुल सही है। यहां पे हम क्या नहीं कर सकते, अब यहां पे हिज नहीं करेंगे, हिज प्लेइंग नहीं कर रहा है, क्या ऐसा हिम, मैंने उसे देखा क्या करते हुए, खेलते हुए। यहां पे क्या कहा था कि आई डोंट लाइक हिम टीचिंग, मैं उसे नहीं पसंद करता हूं, उसका पढ़ाना नहीं पसंद करता हूं। लेकिन यहां पे सेंटेंस वैसा नहीं है, यहां पे कह रहा है कि ऐसा ही मैंने उसे देखा क्या करते हुए, प्लेइंग खेलते हुए। तो यहां पे सिर्फ पार्टिसिपल है जिसका यूज वर्ब की तरह हुआ है। अब इसके पहले ऑब्जेक्टिव केस लिखना बिल्कुल सही होगा। अब यहां पे कभी भी हम हिज नहीं करेंगे, तो वही अगर यहां पे ऑब्जेक्टिव केस ही सही है, तो आप यहां पे आ जाइए कि मिसिंग क्या है यहां पे, प्रेजेंट। याद रखना है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके बाद जेरंड का यूज नहीं किया जाता है, उसके बाद पार्टिसिपल आते हैं, जैसे सी हो गया, है ना। आप फाउंड बोल सकते हैं, यहां पे भी लिखा हुआ था फाउंड, है ना। आप वॉच बोल सकते हैं, हियर बोल सकते हैं, है ना। तो फाउंड, हियर, वॉच, है ना, फील, तो ये सारे वर्ब्स के बाद ना हमेशा क्या आता है, पार्टिसिपल आता है, उसके बाद जेरंड का यूज नहीं करेंगे, है ना। कहां पे जिरंड आता है, कहीं पे मिलेंगे हम किसी वीडियो में, तो ध्यान दीजिए। तो यहां पे सेंटेंस क्या कहा कि आई फाउंड, सॉरी, एंड फाउंड डियर मिसिंग, तो डियर कौन सा केस है, पजेसिव केस, है ना। मिसिंग यहां पे क्या है, पार्टिसिपल, क्या भैया, पार्टिसिपल। जिरंड का यूज यहां पे नहीं हुआ है, पार्टिसिपल की तरह हुआ है, क्योंकि फाउंड के बाद कभी जिरंड नहीं, पार्टिसिपल आता है, है ना। तो ये जब वर्ब हो गया, पार्टिसिपल है, तो इसके पहले पजेसिव केस का लिखना क्या है, गलत है। तो यहां पे क्या होना चाहिए था, तो हमें ऑब्जेक्टिव केस डियर का पता है क्या होता है, देम होता है, तो मुझे कहना होगा फाउंड देम मिसिंग, कभी फाउंड डियर मिसिंग नहीं होगा, है ना। तो सिर्फ इसके पीछे का कंसेप्ट को समझना है ना, आंसर तो सबको पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कर, आई रिकॉल यू टेलिंग मी, है ना, द स्टोरी ऑफ द सेवन, है ना, विशेज, बट आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर और वेन। आगे लिखा हुआ नोयर, इस सेंटेंस को जल्दी से पढ़िए और मुझे बताइए कि कहां पे गलत है, आप अपना अपना आंसर दीजिएगा। हम इसे साफ कर देते हैं, चलिए देख लेते हैं। करा क्या, आई रिकॉल यू टेलिंग, फिर मेरा क्वेश्चन वहीं से है, यहां पे लिखा हुआ है टेलिंग। अब बात समझना है कि टेलिंग है तो यहां पे जिरंड है या पार्टिसिपल है, बात अगर समझ में आ जाए तो यहां पे क्वेश्चन तुरंत बनेगा। तो टेलिंग करा है कि आई रिकॉल यू टेलिंग, है ना। तो अब रिकॉल का मतलब होता है याद करना, है ना। करा है कि आई रिकॉल यू टेलिंग, आई रिकॉल यू, मैं तुम्हें याद करता हूं कि जो तूने मुझे कहा था, जो तूने मुझे सुनाया था उसको याद करता हूं, मी द स्टोरी ऑफ द सेवन विशेज, है ना, बट आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर और वेन, कब कहा था, कहां कहा था, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है तुम्हारा कहना, जो आपने स्टोरी मुझे सुनाया था वो मुझे याद है, है ना। तो कर आई रिकॉल योर टेलिंग, तो रिकॉल योर टेलिंग होगा कि रिकॉल यू टेलिंग होगा, यहां पे टेलिंग क्या बनकर आया है, जिरंड बनकर आया है, है ना। और मैंने एक चीज सीखा कि सेंटेंस में जिरंड का यूज कैसे करते हैं, नाउन की तरह, जब नाउन आया है तो नाउन के पहले यू, यू कौन सा केस है, आपने अभी कहा था कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करना है, और क्या नहीं करना है, सब्जेक्टिव केस का नहीं करना है, क्या करना है, पजेसिव केस का। तो अब यहां पे यू कौन सा केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो कभी भी टेलिंग के पहले ऑब्जेक्टिव केस आएगा क्या, जिरंड के पहले हम कभी भी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या कहना होगा, यहां पर कहना होगा, नीचे लिख देते हैं, योर टेलिंग,
ठीक है। तो कभी भी क्या लिखेंगे हम, योर का यूज करेंगे, कभी भी यू का यूज नहीं करना है। तो हमने सीखा है ना कि जेरंड का यूज सेंटेंस में नाउन की तरह किया जाता है और नाउन के पहले कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं लिखे जा सकते हैं क्योंकि नाउन खुद सब्जेक्ट होता है। नाउन के पहले हम कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नाउन खुद ऑब्जेक्ट होता है। नाउन के पहले जब भी लिखा जाएगा तो पजेसिव केस लिखा जाएगा है ना, क्योंकि ये एब्जेक्टिव की तरह यूज किया जाता है सेंटेंस में। ठीक है, तो ये चीजें था आपने देखा है ना। क्वेश्चन सारे सिंपल हैं, सिर्फ इसके पीछे का कंसेप्ट को मैंने जाना है ना, और इससे रिलेटेड आप हर एग्जाम दीजिएगा तो हर जगह क्वेश्चंस मिलेंगे ना। तो सिर्फ मुझे कंसेप्ट को समझना है और हम हर है ना कोशिश करेंगे कि हर साल का जितने भी एसएससी का मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है और जो भी अच्छा हो कंसेप्ट वाला हो वो क्वेश्चन को हम डील करेंगे जिससे आपको फायदा हो है ना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा है ना, और वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।